डीएम सिटी में अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों की भी पालना नहीं करते। यदि अधिकारी मुख्यमंत्री की नहीं मानते तो पार्षदों की क्या मानेंगे। इससे बेहतर है कि पार्षद अपना इस्तीफा दे दे और अधिकारी खुद ही शहर को चला ले। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नगर निगम में अपना विरोध जताने पहुंचे पार्षदों ने कहा। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से करनाल में अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ जारी है। लोगों के नुकसान को देखते हुए पार्षदों ने मुख्यमंत्री से बात की। बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिए थे कि जो निर्माण पूरे हो चुके हैं उन्हें ना तोड़ा जाए और जो निर्माणाधीन है उन्हें नोटिस दिया जाए तथा उनसे विकास शुल्क लिया जाए। लेकिन करनाल के डीटीपी विक्रम कुमार इन सब आदेशों को धत्ता बताते हुए कार्रवाई पर जुटे रहे और वीरवार को फिर एक कॉलोनी में बने कुछ स्थानों को तोड़ दिया। ये कार्रवाई अल सुबह अमल में लाई गई। जैसे ही ये बात पार्षदों को पता चली तो सभी एकत्रित होकर नगर निगम में पहुंच गए और डीटीपी को मुख्यमंत्री से ऊपर करार दिया और वहां उन्होंने जमकर अपना रोष जताया। एमसीओ की भी नहीं सुनते आप, इनकी क्या सुनोगे आप? एक बात बताओ, अभी जो पहले थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला गया था कि भाई जो शोरूम या मकान जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी में बने हुए हैं उनको ना छेड़ा जाए, जो पुरानों को और जो नए काम शुरू हो रहे हैं उनको तोड़ा जाए या उनको ना शुरू होने दिया जाए। आपने ये जो बने बनाए आज तोड़े, इनका क्या मतलब था? और वो भी 6 बजे? ये बिल्कुल नए हैं। कहाँ नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। चलो सर, नहीं, कोई 6 बजे की कार्रवाई नहीं है, हम वहाँ पे 8 बजे पहुंचे। जब वो शोरूम तोड़े गए उसके बिल्कुल जस्ट सामने काम चालू हो रहा है, जब वो लेंटर डाल देंगे? नहीं, हमने आज ही देखा है, आज ही नोटिस जाएगा, उनको तुरंत तोड़ दिया। आज ही आप पब्लिक से बच के क्यों जा रहे हो जी? नहीं नहीं, कहां बच ना, तो आप जा क्यों रहे हो सर? बार सर ऐसा ना हो कि हमने ना यहाँ से कि यहाँ धरने दर पर बैठना पड़ जाए, कोई ऐसी बात करनी पड़ जाए। सर रिक्वेस्ट आपसे, जो बने हुए हैं सुनो, जो बने हुए हैं उनको ना तोड़ा जाए प्लीज, जो बने हुए हैं। और ये बात सर यहाँ मीटिंग में भी हुई थी, जो बने हुए हैं उनको ना तोड़ा जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास में बताने? जरा देखो, हम हमारे ऊपर प्रशासन है, आप आपका हमारे ऊपर प्रेशर है, आपका हमारे ऊपर प्रेशर है, आप हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हो, आप हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हो। मैं बताता हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ डीसी साहब के नॉलेज में सर, कमाल है, आप हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हो। अगर मेरे पास डीसी साहब के डेमोलिशन आज के देखो ऑर्डर ही नहीं, कैसे दूंगा मीडिया? मीडिया ऑर्डर कैसे दूंगा सर? सर सर मीडिया, एक मिनट मित्र भाई, एक मिनट, मेरे पास 3 ऑर्डर चलते हैं सर। सर मीडिया, मीडिया सामने है, मीडिया सुन रही है, आपका प्रेशर हमारे पे, आप किसका प्रेशर बताओ? हम कह रहे हैं आपका प्रेशर है हमारे ऊपर, पब्लिक के ऊपर, आप जानबूझ के तोड़ रहे हो। आप या तो सुनो, अगर सारी अनऑथराइज है उसको सारी को तोड़ो, सारी को तोड़ो, एक तरह से ब्लेम कर दो, एक तरह से ब्लेम कर दो, एक तरह से वो सारी अनऑथराइज है, वो सारी अनऑथराइज है, पहले हम डेमोलिशन का, वो सारी अनऑथराइज है, उसको सारी को तोड़ो। जो कॉलोनी है मंगल कॉलोनी, जो मेरा सबसे पहले सुनो, पिछले साल सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है बच्चे बनेंगे, आज के टाइम रेगुलराइज नहीं है जो सीएम, फिर आपने यही और जो क्यों बनाई बच्चे को वही फॉलो सर, कोई कोई कॉलोनी थोड़ी है, क्यों तारे बन चुके हैं, कमाल है, आप तो सीएम से भी ऊपर हो गए, पुराने मकान ऐसे ही ऊपर हो गए, पुराने जो हैं उनको ऐसे नहीं है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसे नहीं है कि डीटीपी की आंख घूम गई या कहीं और डीटीपी दूसरी तरफ चला गया, आपने लेंटर लगा दिया और काम हो गया, ऐसे नहीं होता। पुराने मकानों के लिए बोला है, और ये जिन मकानों की आज बात कर रहे हैं ना, जिन मकानों की आज बात कर रहे हैं उनका नोटिस देखो आप, कोई नोटिस नहीं भेजा आप नोटिस, मैं दूंगा नोटिस आपको, आप क्यों दोगे पहले वहां नहीं भेजते, नोटिस क्यों नहीं भेजते आपका नोटिस दूंगा, डीटीपी साहब आपकी तरफ से नहीं चलेगा, आप गलत कर रहे हो, आप दोनों सही नहीं चलेगी, आप बिल्कुल भी आप दोनों सही कर रहे हो, कमाल की बात कर रहे हो आप, आप दोनों सही कर रहे हो, आज के बाद अपने आप दोनों सही नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी, आप उठा दिया ठीक है। रिक्वेस्ट करता रहेगा, उसके बिल्कुल जस्ट सामने काम चला हुआ एसएलआर के 4 शोरूम बने हुए हैं, क्या उनको जब डाल जब उन पर लेंटर डल जाएगा? ऋषि कॉलोनी आज से 40 साल से बसी हुई है,
2003 में अच्छा शोरूम भी 2003 में पार्षद बन रहा सबसे पहले वहां से वहां भी शोरूम तोड़ अभी चलो वैसे आप अपनी गाड़ी में बैठो हम अपनी गाड़ी में चलते हैं आपको वही शोरूम उसके बिल्कुल जस्ट सामने का नक्शा दिखाते हैं 6 बजे कौन सा टाइम है सुबह चोरी नहीं कार वाले बना रहे हैं सर से भी गिरी मारना कर बड़े बड़े पे क्यों कर रहे हो सर वो दिन भी आपके सामने दो कार्रवाई होती है एक निगम वाली एक डीटीपी वाली भी एक ये जो स्कूल वाली कह रहे हैं दूसरे हाँ जी इसमें डीटीपी की तरफ से भी डीटीपी ऑफिस की तरफ से डायरेक्टर साहब का भी ऑफिस मैसेज था यहाँ पे दूसरी बात बने बनाए के लिए किसी के लिए नहीं कहा जो बन रहे हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन उस दिन भी बात हो गई थी अंडर कंस्ट्रक्शन वाले ठीक है बने आज देखो ना जी लेकिन आज तो बने बनाए जो आज जो बन गए नुकसान नहीं होगा पूरी बात करो एक बात करो बात करने आए हो ना सर बात करने आए हो ना जो शोरूम बने हुए थे उनको तो आपने तोड़ दिया जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसको तोड़ने का आदेश वो भी उनको किस लिए छोड़ दिया हमारे सामने पैसा आमने सामने डर बिठाना ना बाद में उगाही करनी पैसों की मतलब जो बन रहा है वो ताकि पैसे दे जाए जो बन रहा है वो तो पैसे देंगे अंडर में पैसे दे जाएंगे और ठीक है मेयर मैडम ठीक बोल रही है एक मिनट बात कर रहे हो डीसी साहब की नॉलेज में नहीं है नोटिस नहीं है शहर के मालिक ही होगा हमको हम सारा इस्तीफा दे रहे हैं शहर ये चला लेंगे चला लेंगे हम चला आसमान लग रहा है क्या करे 20-20 लाख का नुकसान कर दिया क्या फर्क पड़ रहा है किसी का डबल स्टोरी नाश कर दिया हमको शोरूम बन रहे थे उनको तो तोड़ा नहीं ताकि वो पैसे दे रहे जो बने हुए थे पैसे नहीं दे करके उनको तोड़ दिया मतलब जो सर वो नहीं है मतलब अब तो हो जाएगी ये कह रहे हैं ये कार्रवाई क्यों नहीं करी गई ये हम तो ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं करी एक आदमी बट पिक एंड चूज क्यों करा गया अगर इनके ऊपर भी जब ये बढ़ाए कार्रवाई कर देते कॉलोनी का हमने प्रपोजल भेजा हुआ है उसका उसका एज इट इज जो बने हुए हैं उनका नक्शा भी भेजा हुआ है सब कुछ भेजा हुआ है वो होने ही थे अप्रूव अब की बात मंगल कॉलोनी 80% वैसी हुई है 80% वैसी हुई है 80% सर अभी आपने एक बात बोली डीटीपी ना करना बुलाओ नहीं तो हम यहाँ बैठे डीटीपी आ गए शांत रहो ले रखे नहीं ले रखे उसको मतलब किसी एमसी की कोई वो नहीं रही किसी का सारे हम बने बनाए इसको बुलाओ मुख्यमंत्री तो ऊपर हो गए तरुण उदान और इस समय मैं खड़ा हूँ नगर निगम कार्यालय में मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर करनाल के लगभग सभी पार्षद मौजूद हैं और यहाँ पर उनको एकत्रित क्यों होना पड़ा और आखिर में किस बात का रोष है सर आज क्यों और किस मामले मिलने के लिए आ पाए हैं देखिए सर आज जो मामला था माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी कुछ दिन पहले पार्षदों की मीटिंग हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए थे कि जो बने हुए मकान हैं और बने हुए शोरूम वगैरह जो भी हैं उनको ना तोड़ा जाए आगे जो अनफ्रूड कॉलोनी है उनमें अगर कोई नया काम शुरू कर रहा हो तो उसको नए काम के लिए नोटिस दे के रोका जाए और नगर निगम के जो DTP हैं वो ना तो कोई नोटिस पहले किसी को देते हैं और सरेआम मतलब जो शोरूम चार चार पाँच पाँच सालों से आठ आठ सालों से बने हुए हैं उनको सरेआम तोड़ रहे हैं आज भी उन्होंने 10-12 शोरूम बने बनाए तोड़े हैं जो कम से कम 10-10 सालों से बने हुए थे ये मंगल कॉलोनी में सर ये थे मैं आपको बताऊं ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 17 के पार्षद जिन्होंने यह बताया कि वो आज इसलिए यहां पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे उनकी CMCT में सरेआम अवहेलना की जा रही है अवैध कॉलोनियों का मामला हो या वहां पर तोड़फोड़ का मामला हो कि अल सुबह वहां पर जाकर बने बनाए शोरूम को तोड़ दिया जाता है जबकि मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया था कि जो बन चुके हैं उनको नहीं गिराया जाएगा और जो बन रहे जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं उनको नोटिस दिया जाएगा वो हर तरह
तरह के डेवलपमेंट चार्जेस देने को तैयार है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना की गई। युद्धवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, डीटीपी का क्या मतलब? ऐसा जी, ये तो सर हम गुंडागर्दी है कमिश्नर साहब की, डीसी साहब मतलब डीसी साहब की नॉलेज में ही नहीं है। आज रेल रोको आंदोलन था किसानों का, वहाँ सारे प्रशासन लगे पड़े, चोरी बुजारी थी, वो सुबह 6 बजे ठाके वहाँ सारे प्रशासन के साथ शोरूम तोड़ दिए, लोग सो के नहीं उठे, ये बने बनाए शोरूम गिरने लग रहे। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री जी के जो मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश था भी, जो अब आगे नहीं मनन देने, नहीं जो बन गया उनसे डेवलपमेंट चार्ज लेगा उनको कम्प्लीट करो। तब आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते जी डीटीपी मुख्यमंत्री से बोलेंगे, हम तो इसके बाद क्या करें, अगला तो सुनता भी नहीं, कमिश्नर मुंह उठा के चल दिया, डर के मारे भाग गया से। ये देखिए, ये था इनका, ये इनका कहना था कि किस तरह से यहाँ पर डीटीपी के द्वारा तानाशाही की जा रही है। दोस्तों, मैं हूँ तरुण मुदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। में आपको बता दूँ कि करनाल में आखिर क्या हो रहा है, सीएम सिटी में आखिर क्या हो रहा है, इस पर अब प्रश्न चिन्ह लगने लग गया है। मैं आपको बता दूँ कि मुख्यमंत्री ने पीछे आदेश दिए थे कि जिस तरह आप, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि करनाल में अवैध पलम अपनी अवैध कॉलोनियों को गिराने का सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों को हिदायत दी गई थी कि वह ऐसी कॉलोनियों में ना प्लाट ना खरीदें, ना ही अपना कोई मकान बनाएं, ना ही अपना कोई दुकान बनाएं, कि जिससे कि उनको बाद में नुकसान झेलना पड़े। लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद नगर निगम के जितने भी पार्षद थे वो भी आहत थे और आम जनता भी आहत थी, क्योंकि उनका आर्थिक नुकसान लगातार हो रहा था। इस कड़ी में जब उन्होंने पिछले दिनों सीएम मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से बात की थी, तो उन्होंने स्पष्ट आदेश यह दे दिए थे कि जो भी मकान वहाँ मकान बन चुके हैं, जो भी चीज़ बन चुकी है उसको ना गिराया जाए, और जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है उन्हें नोटिस दे दिया जाए, उनसे डेवलपमेंट चार्जेस ले लिया। लेकिन बावजूद इसके नगर निगम, हम कहें कि जो करनाल प्रशासन के अधिकारी हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से ऊपर समझने लगे, उनकी मनमानी के आगे अब लोगों की नहीं चलती, पार्षदों की नहीं चलती। इसी बात को लेकर पार्षद आज आहत थे, और इसी को लेकर अपना रोष व्यक्त करने के लिए आज करनाल के लगभग सभी पार्षद मेयर रेणु बाला ने उसके पास पहुंचे और उन्होंने अपनी उनसे बात कही, जिसका रेणु बाला गुप्ता ने नगर निगम कमिश्नर विक्रम से बात करने की कोशिश बात की, और उसके बाद डीटीपी को मौके पर बुलाया। इसके बाद वहां पर गहमागहमी का माहौल हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात उछल कर यह सामने आ रही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना सीएम सिटी के अधिकारी कर रहे हैं, तो इससे कहा जाए क्या, इसमें क्या कहा जाए, क्या अधिकारी जो हैं वो सीएम से भी ऊपर होने लगे हैं? पार्षदों का आरोप था, जो बातें हम आपको दोबारा से दिखाने भी जा रहे हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।